पिछले बीस पच्चीस साल जो मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में एंकरिंग और टेलीविजन स्क्रीन पे भी लेकिन वैसे भी शोज़ और आ, पाकिस्तान लेवल के ऊपर हाई प्रोफाइल फंक्शन स्टेट लेवल के फंक्शन पे बहुत सा काम किया तो ऐसे काम में एक तो वो काम होता है साथियों जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं हम फनकार आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं लेकिन उसको लाने के जो बैक स्टेज बहुत कुछ हो रहा होता है वो भी एक दुनिया है वो भी कहानियां हैं वो भी हम सबकी यादें हैं जिसमें से कम कम ही आप तक पहुंचती हैं इसलिए कि आप तो पर्दे पे जो हो रहा होता है वो देखते हैं ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि उस थका देने वाले उस टेंस काम के माहौल में हर वक्त कुछ ना कुछ कह कहा कुछ ना कुछ लाइटर मोमेंट्स कुछ ना कुछ मजे की बात बैकस्टेज क्रिएट कर रहे होते हैं आज जो हमारी मेहमान हैं उनका तारफ तो ऑबियसली uh, म्यूज़िक है उनकी गायकी है उनका बहुत ही जुदा अंदाज और उस पूरे करियर जो पीटीवी से ही शुरू हुआ था उसको हम uh, आज, आज आपके सामने अनफोल्ड करना चाहेंगे लेकिन आज के इस में जो हमारा अरशद का बैक स्टेज काम है ना वो भी मैंने ज़रूर रखा हुआ था और उसमें भी बात करूँगा इसलिए कि ये इतना इन्जॉय कराती हैं इनका इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी मौजूदगी में आप थक नहीं सकते आप हर वक्त फ्रेश रहते हैं असलकुम हो कैसी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बचपन से ही आदत थी, थी कि बस हर थोड़ी देर बाद फन पसंद था मुझे बिल्कुल सीरियस होना दुखी बातें करना या प्राउड होना या कुछ और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद संजीदा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल संजीदा हमारे तो मतलब अगर संजीदा भी हों इवन देन लड़ाई भी हो रही हो तो उसमें भी कोई ऐसी चीज वो लड़ाई जो है या वो जो टेंस माहौल है वो सारा का सारा जो है वो लाइटर मूड में चला जाता है मसलन घर में लड़ाई हो रही है मतलब घर में लड़ाई हो रही है तो बीच में से कोई ऐसी बात कर देनी कि वो लड़ाई जो है वो सारे हंस पड़े तो, तो लड़ाई का फायदा की फिर नहीं तो लड़ाई का तो कभी भी कोई फायदा नहीं हो <laughs> लड़ाई फायदे कौन करता है

क्योंकि वो ज़ाहिर है जो चीज़ आपके जेनेटिकली आप में कन्वर्ट होती है तो उसको तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता हाँ जब आप दुनिया में आते हैं फिर आप दुनिया को देखते हैं आपके साथ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं और फिर आप को शुरूर जो है वो तो अल्लाह ताला दे के भेजता है लेकिन उस शूर में से हासिल करना जो है वो इंसान के अपने बस में होता है फिर मैंने जो जो रवश मेरे माँ बाप की थी वैसे ही सेम मैंने भी ली जो एक ड्रीम जिंदगी हमारा तुमने एज ए यंग गर्ल सोची थी क्या वैसे वैसे ही हुआ अभी तुमने उतार चढ़ाव का जिक्र किया या वो जो शीशे का घर था चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में वो शीशे का घर कभी टूटा देखे आ, मैं समझती हूँ कि कोई भी अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान का एक जो आ, साइड है अल्लाह हमेशा उसकी डार्क रखता है ताकि उसको अल्लाह की याद और अल्लाह के साथ उसका जो रहा है वो ना कहीं टूट जाए क्योंकि हम इंसान है ना ना शुक्रिया उतार चढ़ाव आए लेकिन उन उतार चढ़ाव ने मुझे तोड़ा नहीं है मुझे बल्कि और जो है वो स्ट्रॉन्ग किया रोई रोती हूं बिल्कुल रोई भी लेकिन आ, बहुत ज्यादा जो है मैं बहुत ज्यादा नहीं रोती मैं वैसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ कोई फिल्म भी देखूँ या कोई बंदा मुझे या कोई औरत मुझे अपनी कोई दुखी, दुखी कहानी सुनाए <laughs> तो मैं फौरन जो है कार्टून भी लगे हूँ तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ लेकिन मैं समझती हूँ कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता आप हमेशा आप पे मुसीबतें आती हैं तो हर वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है जो रोने की बजाय उसका हल ढूंढ <laughs> अगर उसका हल नहीं है तो कोई आप जो है कोई और वे ऐसा ढूंढ ले क्योंकि ज़िंदगी में जब आपकी टेंशनें आती हैं तो एक मोड होता है वही आपने मुड़ना होता है कुछ उस मोड़ पे ही रुक जाते हैं कुछ उस मोड़ पे अच्छे जगह पे मुड़ जाते हैं कई उस जगह से कई लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं कई लोग जो हैं वो और संभल जाते हैं तो मुझे जो मेरे माँ बाप ने सिखाया था या जो मैंने बुक्स पढ़ी या जो अ, मतलब मेरा घराना था जिनसे लगाव था अहले बैत से अब से कोई अपना जिंदगी का फैसला बदलना चाहोगी आ, देखो मैं आ, अपनी जिंदगी के फैसले बदलना नहीं चाहती मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जिंदगी में जो फैसला किया जो सोचा वो मैंने कर लिया वो अच्छा था वो बुरा था वो एक अलग बात आप आपका दिल ये कर रहा है अच्छा हाँ। देखिए आपका दिल कर रहा है कि यार इस टाइम मेरे पास कढ़ाई गोश्त हो मैं कभी कढ़ाई गोश्त खाऊँ ना तो फिर अच्छा वो आपने खा लिया उसके बाद आपको वो खराब हो गया या समथिंग कुछ हो गया वो एक अलग

कि आप तो बस रिग्रेट में ही बैठे रहते हैं कि उस दिन वो फैसला मैं ना ना करती या का फैसले करते हैं जब तक आप गलत फैसले नहीं करेंगे तब तक आप सही फैसले नहीं कर सकते और कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो फौरन जो है वो हर फैसला ही उसका जो है वो सही हो क्योंकि आपकी अकल कुल नहीं है कि आप सोचें कि जो आप सोच रहे हैं वो वो आपकी सोच है और हर वो इंसान नाकाम है जो अपनी सोच से हर चीज़ करता है हमेशा जब आप कोई भी चीज़ करें दो चार बंदों से डिस्कस करें आप अब अब मेरी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आया है कि जैसे मैं पहले बहुत जल्दबाज थी मतलब मैं बेसब्री थी ना इंसान है इंसान के अंदर हमेशा बेसब्री होती है कि अच्छा यार देख लेंगे अब ऐसा नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में ये है कि मैं उस वक्त की चीज़ को नहीं देखती मैं हमेशा अब देखती हूँ कि यार अगर मैं ये फैसला करूँगी दो साल बाद चार साल बाद दस साल बाद पता नहीं जिंदगी है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है लेकिन उस चीज़ में मेरे जो सात लोग हैं मेरे फैमिली है या रिलेटिव्स हैं या मेरे फील्ड के लोग हैं या मेरी अपनी जात है वो इससे कितनी जो है वो अफेक्ट होगी तो बस भक्त साथ साथ फिर वो साथ साथ बिल्कुल इर्द से जो जु, जुड़े हुए लोग हैं ना वो आपकी असल प्रायोरिटी बिल्कुल और अब जो है वो थोड़ा सा आ, अब अब मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर ये चेंज आया है कि पहले मैं बहुत ज्यादा दूसरों के लिए सोचती थी अब भी सोचती हूँ बहुत ज्यादा सोचती हूँ लेकिन अब मेरे अंदर ये सोच आई है कि पहले मैं हूँ और मेरे बाद जो है ना वो दूसरे लोग हैं मेरा मुझे अभी भी याद है वो मरून कलर का फ्रॉक वाला ड्रेस जी और उस एक शाम ने हमारा अरशद को हमारा अरशद बना दिया जिसे कहते हैं ना कि वाकई में जो एक मुहावरा है ना कि रातों रात मशहूर होना वो जब अगला दिन था मुझे उस दिन के बारे में बताओ कि जब एकदम से जब शोहरत मिली थी उसको कैसे हैंडल किया था अच्छा देखिए जिंदगी में मैंने ये सोचा था कि मैंने ये करना और ये होना मैं बचपन में अपने बहन भाइयों को स्त्री का स्विच पकड़ा के टीवी का स्विच पकड़ा के या दूसरा स्विच या बेलना या कोई चमचा <laughs> पकड़ा के अपने बहन, बहन भाइयों को ऑडियंस बना के और मेरा एक भाई होता था मैं उसको कहती थी तो कि तू कह के अब आ रही है स्टेज पे पर मेरा अर्शद <laughs> तो वो ऐसे करता होता तो मेरे बहन भाई जो है वो तालियां बजाते होते थे <laughs> तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैं ज़रा थोड़ा पैशनेट थी मुझे इस बात का यकीन था क्योंकि मेरे अंदर ना यकीन का बड़ा वो जो है बचपन में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था ना बिलीव था कि मैं एक चीज सोच मैं। हाँ क्योंकि मैंने एक फरमान पढ़ा था मैंने मौला का फरमान पढ़ा था कि जो हमारे मानने वाले हैं उनका अगर यकीन होगा ना तो वो सोचते जाएं और मौला करते जाएंगे तो मैंने इस चीज के ऊपर बिलीव रख के ना स्ट्रॉन्गली मैंने कहा ये होगा कितने बहुत साल पहले की बात है ना जब वो यहाँ लाहौर में जी लाहौर में शाही किला शाही किले में जी। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला वो वाली हमारे अर्शद इस वक्त हम दिखाएं बिल्कुल तो दिखा। को है ना बिल्कुल मेरे लेकिन... लिए तो मैं कहती हूँ वो लम्हा मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा था मेरे लिए कोई खुदा का और मेरे माँ बाप का जो अजर था पता नहीं खुदा को मेरी कौन सी अदा पसंद आई होगी मैं इस काबिल नहीं थी कि वो वो शाम वो, वो में आई देखे नाम मकाम इज्जत होना ये ये बहुत बड़ी बात होती है आज, आज मैं यहाँ पीटीवी में बैठी हुई हूँ मेरा उसमें पर्सनल कुछ नहीं है वो मेरी आवाज मेरा गाना है कि मैं आपके साथ बैठी हुई तो लगे हुए हैं और लोग मुझे इतना प्यार करते हैं मैं तो एक अम्मी के साथ मजालिस पढ़ती थी मुझे तो पता भी नहीं था हम फर्क फर्क सी बातें कर रहे हैं बिल्कुल फर्क सी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज तक लोग जो है वो इस तरह की बातें नहीं करते ना इंटरव्यू में मैंने तुमसे नहीं पूछा कि सेब पसंद है क्या पसंद है वैसे सेब पसंद है क्या पसंद मुझे फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सब पसंद है तो वो लोग बातें नहीं करते ना ऐसे exactly. वो सारे सारे यही कब स्टार्ट किया क्या हुआ क्या करते घर में क्या करते ये करते ये सारी दुनिया को पता है हाँ. ऐ, ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं पता ऐसी चीजें लोग सुनना चाहते हैं जो थोड़ी डिफरेंट हो और अच्छा। ये आपका क्रेडिट है कि आप माशाल्लाह बड़ा मिच्योरली आपने क्वेश्चन स्टार्ट इतना मुझे एकदम से आपने है जो ना? है वो जाग उठा दिया <laughs> मैं मैं नींद में थी आपने सवाल ऐसे किया मैं उठ गई <laughs> अच्छा मेरा ये बताओ कि आपका ना भंगड़ा आपकी पहचान बना हालांकि ये जो पहला ये तो एक यू नो तो 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 फिल्म को आपने रीमिक्स रीडू किया था फिल्मी सॉन्ग को लेकिन जो बाद में जो एक्चुअल आपका अपना ओरिजिनल काम आया वो भंगड़े का जो नई पहली एल्बम्स भी आई और वो

गाने और इस गुल्ला हाँ, तो ये भी तो होना चाहिए ना कहीं लोग यही ना समझने कि शायद हम सिर्फ भंगड़ा ही कर सकते हैं हमें कुछ और आता ही नहीं है हाँ। तो जैसे मैंने आ, उसके बाद काटे ना काटे हाँ। तो क्योंकि वो मैंने गाया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सुपर हिट हुआ और बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल था है ना मेरे ख्याल हमारे इंडस्ट्री के मुश्किल तरीन गानों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो टॉप टेन टॉप फिफ्टीन में डेफिनेटली आएगा बिल्कुल आएगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आ, सुनने में आसान लगता है वो गाना हाँ। लेकिन उसको गाने के लिए मैंने पूरा एक महीना रिहाज किया था पूरा एक महीना हाँ क्योंकि वहां पे तो आपको पता कोक स्टूडियो में में तो 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 लाइव गाते हैं ना exactly. वो exactly. चीज नहीं है 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 कि रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर तो तो इतना इतना पक्का गाना जो है, इतना, मतलब उसको उतार चढ़ाव था उस गाने मुझे सदा अपने प्यार की अपनी तरह का मुश्किल सॉन्ग था और काटे, काटे ना काटे कटे अपनी अब वैसे कोशिश मैं करती हूँ आसान ही करूँ

ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟੋਲਣਾ ਟੋਲਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟੋਲਣਾ ਟੋਲਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਜੋ ਚਾਵੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਕਨ ਉਹ ਲਾਇਦਾ ਲਾਇਦਾ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟੋਲਣਾ ਟੋਲਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ सुबह सुबह सात नौ बजे के पे जब मैं ये शो किया करता था तुम यकीन करो इस गाने की फरमाइश आनी और ये गाना लगता था और ऐसे लगता था अच्छा जी गुड मॉर्निंग होगी सुबह हो गया <laughs> आपको सही तो एक, एक हाँ, को। वो भी बड़ा अच्छा वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया अब कहीं शो पे जाती हूँ और ये भी मेरा ख्याल ऑडियंस ही आपसे काम करवा रही होती बिल्कुल अग, 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 मिसाल के तौर पे वस विड हो ना हिट होता तो हमने नहीं फॉलो करना था। नहीं फॉलो करना था। सही। तो वो ऑडियंस ही आपसे काम आ, हाँ, बिल्कुल। करवाती है। एक आप आ, मैं तो जब काम करती हूँ तो मैं हमेशा ऑडियंस को ही मद्देनजर रखती हूँ कि इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा अब देखिए म्यूजिक का बिल्कुल जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया बिल्कुल चेंज आ गया अब लोग जो है वो आ, या तो सराइकी सॉन्ग सुन रहे हैं या तो बिल्कुल ही लो लेवल का काम सुन रहे हैं या बिल्कुल हाई क्लास का काम सुन रहे हैं ओके okay. मतलब तो जो हमारी समझ सोच से बाहर है ठीक है जैसे कि यूके के लोग हैं वहाँ के भंगड़ा का म्यूजिक अब अब ट्यून का और लफ्जों का इतना ज्यादा नहीं है हाँ. अब म्यूजिक का है बस हाँ. बीट्स जो है बीट्स चल रही है

इस वक्त पीटीवी के साथ आपके किए बहुत सा काम है तुमने बहुत से गाने गाए कोई एक गाना मुझे बताओ जो बहुत तुम्हें पसंद है खान साहब ने मुझे एक गाना कंपोज करके दिया था बाद में उन्होंने खुद भी वो गाना गाया था पियारे पियरे सारे बिना लागे ना ही जी तो वो सबसे इधर सबसे पहले मैंने गाया था पीटीवी से पीटीवी वो लॉन्च पी गाना पीटीवी से बिल्कुल पीटीवी पे थोड़ा सा ज्यादातर लोगों ने वो खान साहब की आवाज में सुना बहुत कम लोगों को पता है की ये गाना बल्कि बहुत ज्यादा लोगों को पता भी है की ये गाना मैंने भी गाया था Okay. तो मैं चाहूंगी कि वो कॉम्पोजिशन है धुन वही वही है। है, धुन भी साहब ने बनाई थी और बाद में उन्होंने वो गाना इंडिया जाके वो खुद भी गाया और वो गाना वो तो साहब थे उस वक्त उन उनका लेवल ओ, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते तो वैसे ही बिल्कुल और उनके जैसी शख्सियत का किसी गाने को गाना वैसे ही जब अल्लाह की करम नवाजी किसी पे होती है तो वो बोले भी तो हिट हो जाता क्या बात है कईयों की लड़ाइयाँ हिट हो जाती हैं कईयों की गालियाँ हिट हो जाती हैं कईयों के एक्शन हिट हो जाते हैं तो वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी थी माशाल्लाह से कि उनकी हर जो चीज थी वो हिट थी जो कहते थे जो गाते थे दाँग। इतनी दाँग। सी लाइन भी गाते थे हिट लेकिन हम चाहेंगे कि जरा स्टार्ट आप इधर से जी हम प्यारे 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 थर बिना लागे नहीं मारा जी हरी हो थर बिना लागे नहीं मारा जी हरी ने थे कैसा जादू किया रे थर बिना लागे नहीं मारा जी हरी हो थर बिना लागे नहीं मारा जी हरी हमारे अर्शद हमारे साथ मौजूद हैं जब का सिलसिला जारी है एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे अर्शद आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं यहां लाहौर सेंटर के सेट्स पे कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं लेकिन मैं पुरानी नहीं करूंगा वो नहीं हूँ मतलब बंदी के लेके बैठ प्रेजेंट मोमेंट आगे चलो।, हा, हा, आगे चलो जब मैं वो होती हूँ फन वाली चीज कर लेती मुझे का शुक्र है कोई ऐसा ऐसा कोई बड़ा शुक्र अलहमद कोई है नहीं ऐसा डिप्रेशन छोटी मोटी चीजें तो फिर जिंदगी के साथ हैं वो चलती रहती है मैं नहीं इतना क्योंकि उनको सुनने से भी आप सीखते हैं कुछ गाने हैं जो आप इंजॉय करते हैं उनसे आपको आप कुछ सीखते नहीं है कुछ ऐसा होता है जिस, जिसको अच्छा। आप सुनते भी हैं जिसको आप सीखते, सीखते भी, भी हैं फिर आप उसको करने की कोशिश करते हैं फिर आपको पता चलता है आप कहाँ खड़े हुए अपना कोई पुराना काम कभी सुनने या देखने का मौका मिले तो ऐसे उलझन होती है कि वो ये इसको मैं ऐसे और बेहतर कर सकती थी या कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये जगह या ये चीज़ मैं ऐसे करती तो ज्यादा बेहतर देखें उस वक्त आज से दस साल पहले की या पंद्रह साल पहले की या बीस साल की चीजें मैं सोचूं कि अब मैं इसे ठीक कर सकती उस वक्त भी ठीक ही था हाँ। मैं ऐसी ऐसी नई चीजें सोचती

नॉर्मल रहती हूँ हर चीज में माशाला हैं लोग फॉलोर हैं सोशल मीडिया तो अब आया हम जब से गा रहे हैं अगर हम भी तब से सोशल मीडिया होता तो पता नहीं हम लोगों का किधर से होता था हम लोगों का तो इंटरेस्ट ही है चार पाँच सालों के दरमियान बिल्डअप हुआ है ना सोशल मीडिया के लिए पहले तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खींचती हूँ तस्वीरें शस्वीरें रोज एक तस्वीर डालनी है नहीं डालनी कैप्शन ये वो इस तरह का शौक मैं बिल्कुल करती हूँ नहीं शौक नहीं है लेकिन ये वक्त की जरूरत वक्त की जरूरत अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट को वो ट्रेंड जरूर फॉलो करना चाहिए जो इन जो तो लोग फॉलो नहीं करते वो पीछे रह जाते अच्छा जी जो अभी नया एक अभी जो पहले भी हम जिक्र कर रहे थे जो नया गाना आया उसका उसके बारे में मुझे कुछ बताओ वो गाना आ, साजी अली साजी ने कंपोज किया है बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हमारे और कामरान अख्तर ने उसका म्यूजिक बनाया और सजील खान ने उसका वीडियो बनाया तो वो गाना मुझे बहुत जब मैंने सुना मुझे बहुत वो गाना पसंद आया हालांकि वो मेरे टाइप का नहीं था लेकिन मुझे लगा कि नहीं आ, कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि जो जो सुनने वाले लोग हैं जैसे मैं गाने गा, जैसे सदा हूँ अपने प्यार की मैंने गाया तो जिन लोगों को ये काम आता था उनसे मैंने तारीफ ली जैसे काटे ना कटे जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने मुझे एडमायर किया तो ये भी जो है इसकी भी बहुत बहुत दूर दूर से मुझे तारीफ़ आ रही तारीफ है लोग मुझे फ़ोन करके शाबाश दे रहे हैं तो माशाल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ ये है गाना करके लेकिन ये हमारा अरसद टाइप नहीं है बिल्कुल भी नहीं मेरे टाइप नहीं है टाइप आपने खुद बनाना होता है हाँ। वो आप जो मर्जी टाइप बना लें ये टाइप तो हमने खुद डिसाइड करना है हाँ। ना हर चीज़ इंसान के अपने हाथ में है वो बाकी कामयाब होना ना होना वो अल्लाह के इख्तियार में है लेकिन उसको शुरू करना और सारा कुछ वो इंसान के अपने तो टाइम टाइप हमने खुद जो है वो डिसाइड करना तो अब जो है टाइप वो लोगों को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा जरा गुन कला रू वे कला रू बेगा याद मेरी जदो याद मेरी, सजना वे गा वाह मजेदार वेरी नाइस ये जो नया गाना तुमने रिलीज किया इसमें मशीनी कंट्रीब्यूशन कितना था देखें अब है काम, ही काम एक मशीनी पे हो सकता है मैं मशीनों को किधर रख दूं मैं भी तो मशीनी काम ही करूँगी जिस पर काम हो रहा है वही हमें वो वक्त की ज़रूरत है हमें करना पड़ता है और कंप्यूटर पर ही काम होता है अब तो कहीं भी वो वाली चीज़ें तो नहीं होती कि वो दोबारा से वो लगाओ क्या उसका नाम है वो जैसे एक बड़ा सा होता था स्पूल हाँ स्कूल और वो वो चीज़ें तो उस वक्त भी काम तो होता था कंप्यूटर के ऊपर लेकिन हाँ। वो बहुत जदीद लोग करते थे दूसरे तो करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता जो जनमन आर्टिस्ट है वो अच्छा काम अब भी कर रहे हैं बहुत बहुत बड़े स्टार बने हैं रातों रात तो कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर की वजह से बने हैं और शोज में वो जब गए हैं हाँ। जब शोज में गए हैं तब लोगों ने उनको नहीं पसंद किया क्योंकि कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ है क्योंकि कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ <laughs> है तो क्योंकि आपका जितना मर्जी अब मैं किसी से सिफारिश करवा लूं कंप्यूटर का सहारा ले लूं अब जैसे आपने मुझे कहा कि जी सुनाएं हां यहां पे मेरी आवाज ना निकले और बातें और नखरे मेरे यूं के मैं पता नहीं क्या मैं गार्ड यहाँ पे खड़े को बहुत इंग्लिश में बोल रही हूँ जब मेरे काम की बारी आए जिस वजह से मुझे बुलाया गया तो उस पर मैं कहूँ जी मेरा गला खराब है या मैं नहीं कर सकती या कुछ ऐसे है तो फिर तो या या ब्रेक में या शो शुरू होने से पहले तो ऐसे गा, गाने का ना कहिए कहा आज बात भाई एक सिंगर है है तो कैसे हो सकता कि काम दिस... है आपने काम के लिए बुलाया <laughs> और, और किस लिए आपने बुलाया और कोई आपने उससे ये तो नहीं कहना अच्छा, तो तो, अच्छा अच्छा फोर कोई, कोई इस तरह का शौक नहीं किस चीज़ का शौक तो घड़ियों का है वो तो मुझे अलहमदुल्ला मुझे वैसे किसी भी चीज का शौक नहीं है सच आपको बताऊं मुझे किसी चीज का शौक नहीं है मैं किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं ये क्या बात ये, ये तो सच, ही नहीं सकता। सच बात है हाँ जो वक्त की जरूरत है वो एक है लेकिन एक होता है ना जैसे कि बंदा बहुत एक क्रेजी हो किसी चीज के मामले में या कुछ ही सब अब चिलमॉल हो गया पहले भी नहीं थी अब भी नहीं मतलब मुझे पता है कि भाई मैंने घड़ी पहननी है मैंने कपड़े पहनने हैं गाड़ी चाहिए फोर व्हील तो, तो, तो माशाल्लाह है दो दो हैं मेरे पास गार्ड्स भी हैं सारा कुछ है लेकिन एक शोबदाबाजी जो है वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन हमारी फील्ड की वजह से शोबदाबाजी बहुत पसंद की जाती ये हमारी एक अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का जो है वो एक हिस्सा बन गया है कि जो बंदा सिंपल है जो बंदा हर किसी की मदद करता है जो मतलब अपने आप को सिंपल रखता है तो उसके लिए लोग उसको ईजी लेते हैं जैसे मैं हूँ अब मुझे मैं आपने मुझे बुलाया मैं फ़ौरन आपके काम पर आ गई अब आप उस बंदे को प्रेफर कर रहे हैं जो आपसे आके कह रहे हैं नहीं 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 मैं पाँच मिनट भी नहीं बैठूंगा मेरा ये है मेरा वो है वो फड़ा, आप मुझे इजी ले लेंगे exactly, बैठी हुई है, है, हाँ, है वो ज़्यादा बड़ा स्टार है तो इस ये कोई बात नहीं है ये बैठी रहेगी ये हमारी करती रहेगी तो इस ये अनफॉर्चुनेटली एक रिस्पेक्ट का मैार जो है ना वो बदल गया है वो पैसों से वो शोबाबाजी से वो इस चीज़ पे हमारा मैार जो है ना अब हमारा मैं ये है कि किसके पास कितना पैसा कौन सा मोबाइल हाँ तो हाँ हाँ, हा तो बैठे मतलब है हाँ, वो वो होते हैं घरों में ये नहीं कि वो कुछ कर रहे होते हैं कर कुछ नहीं रहे होते लेकिन उनके मैनेजर दो दो मैनेजर है बात नहीं करवा रहे चीजें नहीं कर रहे ये कर रहे तो ये चीजें हमारे लोगों को ज्यादा पसंद अच्छा जी आज से चलो पांच दस पंद्रह फ्यूचर में कोई कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे रत करना चाहती है और अभी तक प्रोफेशनली अभी तक नहीं की कि मैं तो ये एक ऐसा काम कुछ करना चाहती हूँ या आई डोंट नो मैं एक गज़ल गजलों की एक सीरीज आई डोंट नो व्हाट कोई ऐसी चीज़ जो अभी तुम्हारे ड्रीम्स में या ख्याल में है अच्छा मेरे तो बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं है मैं हर वो ड्रीम्स देखती हूँ जो मैं पूरा कर लूँ खुद ही ठीक है ठीक है और मेरा बस मेरे काम से ही मुतिक है इनशाला जैसे आप लोग इतने अरसे से मुझे देख रहे हैं माशाल्लाह से मैं अपना काम अपने काम के साथ सन्सियर हूँ अपना काम कर रही हूँ अपनी ज़ात के साथ सन्सियर हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं मेरी बस यही विश है कि मैं ऐसे ही चलती रहूँ लोगों का प्यार लोगों का ये जो एक मान है मेरे ऊपर ये अल्लाह ताला इसको कायम उदायम रखे और हल्के हल्के अंदाज़ में हम लोग चलते रहें साथ क्योंकि जब मैं सुपर हिट हो जाऊँगी उसके बाद जवाल हो जाएगा तो मैंने सुपर हिट होना मैं नहीं चाहती मैं साथ, साथ 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 जो है ना वो बस बहना चाहती हूँ कितनी मजेदार बात है कि उस, उसके बाद उसके बाद कि जो भी आप देखें जो भी बंदा सुपरस्टार होगा ना एक हंड्रेड है आपने हंड्रेड छू लिया तो उसके बाद तो तो 97 उसके बाद तो फिर तो वो ऑब्वियसली आपने बैक ही आना ना मर्दों में एक आ, एक खातन में जो इस वक्त आपसे बात की जनरेशन ने काम शुरू किया और आपको उनका काम पसंद देखिए अच्छा वैसे तो मैं सच बताऊं मुझे सबका ही काम पसंद है सब लोग मेहनत कर रहे हैं यकीन अपने अपने करेंगता कर। मुझे जो लोग कहते मुझे वाकई में कोई बुरा नहीं लगता मुझे जो लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा बुरा है या ये बड़ी बुरी है ये फलानी है धमकानी है मैं जब उनके पास बैठी ना मुझे सच में वो लोग ज्यादा अच्छे मिले बनस्बत उन लोगों के जिनको लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है भाई ये उनके अंदर बनावट मुझे मिली झूठ मिला जिन जो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। हाँ कुछ अच्छे भी मिले अच्छे, मैं तो मिली अच्छा मैं तो मैं तो काम की बात करूँ अच्छा तो साथ बैठने को छोड़ो हाँ काम किसका अच्छा लग रहा है मुझे सबका काम बहुत अच्छा लग रहा है देखिए ना हमारे मुल्क में जितने क्राइसिस हैं मैं अब किसका नाम ले लूँ कि वो बंदा नहीं अच्छा कर रहा वो नहीं अच्छा कर जितने क्राइसिस हमारे मुल्क में है घर से हम पैसे लगा के तो हम वीडियो बना रहे हैं हम गाने लगा रहे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पैसे लगाए हुए बेकार हैं आप यहाँ बैठ के गरीबी बजा के कोई चीज़ कर दे वो हिट है और एक बंदा दस लाख लगा के वीडियो बना रहा है तो उसके लिए लोगों से वीडियो बना रहा है अल्लाह के वास्ते इसका गाना जो है वो लाइक करें शेयर करें फलां करें धमका करें और जो बंदे वहाँ पे एक साइकिल पे से बंदा गिर गया और वो जो है वो, वो, है वो है तो ये चीज़ें जो है ये, ये, ये बड़ी है ना ये देखे ना ये बहुत मुश्किल चीज़ है और जो हमारे आर्टिस्ट इनसे निपट रहे हैं मैं कैसे कहूँ कि नहीं मुझे फलाने का काम पसंद आता हूँ उसका मुझे नहीं पसंद माशा सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि वो अच्छा काम

चाहे इस्लामाबाद मरकज हो of चाहे लाहौर हो yes. चाहे कराची हो चाहे क्वेटा हो कौन सा भी हो लेकिन पी के लिए हम बहुत दिल से जो है पी के साथ हैं हम पी की रिस्पेक्ट करते हैं और आप जैसे अच्छे जो होस्ट हैं जो हमेशा दिल की बातें निकाल लेते हैं ये नहीं करते हैं आप निकाल लेते हैं तो गिरहें खोल खुलवाता हूँ ये ये अच्छी बात है वो जो गिरे बांध के अपनी यादों की हमने रख दी होती है ऑल द बेस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हुमेरा अर्शद की जिंदगी की यादें आज राइजिंग पाकिस्तान में शेयर की कुछ इनके गाने भी सुने अपना ख्याल रखिएगा जिंदगी ने दी इजाजत फिर मिलेंगे खुदा हाफिज